बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीपर्स। आज की अहम न्यूज़ ये है कि अदाकारा हिरा मानी, जो कि काफ़ी फेमस अदाकार हैं, उनको आज गन पॉइंट पे लूटने की कोशिश की गई है। उनके घर के बाहर, वो डिफेंस के हाउसिंग अथॉरिटी में, कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में रहती थी, अपने बच्चों के साथ थी, एक बेटा एक बेटी के साथ। तो उसके अगर देखा जाए तो वो बाईं साइड पर बैठी हुई थी, दाईं साइड पर ड्राइवर बैठा हुआ था जो कि गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। अभी वो घर से उतरने ही लगी थी कि 2 मिनट पहले उनके दोनों तरफ जो है वो बाइक पे हेलमेट पहन के दो चोर आए हैं। उन्होंने वारदात की कोशिश की गई है, लेकिन जो है वो वारदात कामयाब नहीं हो सकी। तो उनके अंदर काफ़ी, वो इस मामले को देख कर काफ़ी, यानी कि वारदात को देख के वो बड़ी स्ट्रेस हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी हैं, क्योंकि एकदम उनको गाड़ी से जो है वो रोका गया है और वो अपनी फैमिली के साथ थी। तो सीसीटीवी कैमरे में और उनकी फुटेज को जैसे ही वो देखा बाद में उन्होंने, तो उन्होंने अपने फैंस के साथ जो है वो शेयर की है और मैंने आपको वीडियो के अंदर शेयर कर दी है। तो अब इसके ऊपर जो है वो पेशन गोई की जा रही है कि कौन कौन इसके अंदर मुलव्वस है। पुलिस ने जो है वो ड्राइवर और जो इनका गार्ड है उससे जो है ना वो आज मैं पूछताछ की है। मजीद जो हकायक सामने आएंगे वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक यही बयान दिया जा रहा है कि इसके अंदर कोई अपना ही मुलव्वस है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल हतमी पुलिस वाले जो है वो बयान नहीं दे रहे। तो अदाकारा हिरा मानी के लिए ये आज का एक बहुत ही बुरा, यानी कि उनके साथ एक्सीडेंट हुआ है या बहुत ही बुरा उनके साथ इवेंट रहा है, जिसको वो लेके काफ़ी स्ट्रेस का शिकार हैं। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एहसन लॉरी को विज़िट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।